ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार, मैं आचार्य विनय कश्यप, प्रयाग एस्ट्रोलॉजी सॉल्यूशन और रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम मूल त्रिकोण राशि के ऊपर बात करेंगे। सूर्य यदि मूल त्रिकोण राशि में हो तो क्या रिजल्ट होगा, चंद्रमा अगर मूल त्रिकोण राशि में हो तो क्या रिजल्ट होगा, अब तो हम शनि शुक्र के ऊपर भी जानेंगे कि मूल त्रिकोण राशि में हो तो क्या रिजल्ट आएगा। तो आगे की वीडियो में हमने जाना था कि मूल त्रिकोण राशि क्या होता है, कितने अंश तक मूल त्रिकोण राशि का होता है और ग्रह का एक से अत्यधिक ग्रह अगर मूल त्रिकोण में हो तो जातक को क्या रिजल्ट मिलता है कुंडली वाइज, हम उसके बारे में विस्तार से जान चुके हैं। आज हम जानेंगे कि सूर्य आदि नवग्रह आदि यदि मूल त्रिकोण राशि में हो तो जातक को जातिका को क्या रिजल्ट मिलेगा। लेकिन उससे पहले जो दर्शक मेरे चैनल में नया है वो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दे कि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ वो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। आइए दोस्तों, फिर समझते हैं सूर्य यदि मूल त्रिकोण का हो तो जातक वो कुंडली में तो रिजल्ट परिणाम क्या आता है। देखिए, अगर सूर्य ही मूल त्रिकोण राशि में हो तो जातक धनी होता है, सुखी होता है और कोई भी कार्य में क्या होता है कि कुशलता होते हैं, बहुत कुशलता से वो अपना कार्य करता है, धन के मामले में उसके प्रॉब्लम नहीं रहता है, सुख समृद्धि रहता है। हम कह सकते हैं कि अगर सूर्य देवता मूल त्रिकोण का हो तो जातक हमेशा उसमें एडवांटेज से मिलता है। चंद्र देवता अगर मूल त्रिकोण राशि में हो तो वो जातक धनी होगा, सुखी होगा, ठीक है, और भोगी होता है अगर चंद्र देवता मूल त्रिकोण का हो। देखिएगा कि चंद्र देवता जो चंद्रमा जो मन के कारक होता है, अगर वही संतुष्ट है, वही प्रफुल्ल है, वही अपने मूल त्रिकोण राशि में होता है तो वो खौफ से बेखौफ हो जाता है, इसलिए वो भोगी हो जाता है, धनी होता है, रुपया पैसा का प्रॉब्लम नहीं होता है। अगर मंगल देवता मूल त्रिकोण राशि में हो तो जातक सूरवीर होता है, समझेगा बात को, सूरवीर होता है लेकिन रुपये पैसे के मामले में प्रॉब्लम आता है, उसका पास धन नहीं टिकता है, धन नहीं रहता है और जातक जो है वो दयाहीन होता है। क्योंकि मंगल का प्रवृत्ति क्या है, मंगल का प्रवृत्ति है कि वो फाइट करना, किसी के आदेश को मानना, अगर कोई उसको आदेश देता है तो रुपया पैसा तो इतना देगा नहीं, उसको काम करवाएगा। इसलिए मंगल अगर मूल त्रिकोण का होता है तो बहुत ज़्यादा सूरवीर होगा, निर्धन होगा और वो उसको दयाहीन होता है। बुध देवता अगर मूल त्रिकोण का होता है तो बुध देवता कहाँ मूल त्रिकोण राशि में होगा, अपनी ही राशि कन्या में बुध देवता का मूल त्रिकोण राशि होता है तो जातक क्या होगा, विद्वान होता है, वो विनोदी होता है, जैसे कि भोग विलास आदि में हस्य उल्लास में रहने वाला होता है और विजयी होता है, कोई भी काम करो, शत्रु से हो, अपने से हो, कोई भी काम में वो विजयी पाता है और बहुत ज़्यादा उसका प्रॉफिट जो है जातक को मिलता है अगर बुध देवता मूल त्रिकोण का होता है। अगर गुरु देवता अगर मूल त्रिकोण का हो तो समझिएगा कि वो जातक गांव का या नगर का वो जहाँ रहता है उसका जो मालिकी हक मिल जाता है, उसको मठ मंदिर का पंडित होता है अगर गुरुदेवता मूल त्रिकोण का हो। और जो बीरुगेट लेवल का जो नौकरी होता है वो सब भी जातक को बहुत आसानी से मिल जाता है, क्योंकि गुरुदेवता जो है ज्ञान के कारक होता है, उसका ज्ञान इतना प्रसार होता है कि कोई भी आम आदमी उसके पास आता है उससे ज्ञान मांगने के लिए। तो अगर गुरुदेवता ही मूल त्रिकोण का राशि का हो, गुरुदेवता ही उत्फुल्लित रहे, प्रफुल्ल रहे तो वो जातक नगर यह मत का मुखिया होता है, मालिक होता है और बहुत ज्यादा पंडित्व उसके पास होता है। आइए अब हम समझते हैं अगर शुक्र देवता मूल त्रिकोण राशि का हुआ तो जातक को कैसा रिजल्ट देता है। देखिए, जिसकी कुंडली में शुक्र देवता मूल त्रिकोण का होता है वो जातक ज्ञानी होता है, सुखी होता है और अपने ही कर्मों में, अपने ही काम में राजा होता है और अपने आप ही राजा होता है। उसका ज्ञान बहुत अच्छा होता है सभी विषय में, नित्य कला में उसका रुचि रहता है और सुख समृद्धि उसके साथ रहता है और राजा की जैसा उसका राजपद नहीं हो सकता है लेकिन अपने आप में ही वो राजा की जैसा होता है।
शनि देवता अगर मूल त्रिकोण राशि का हो तो जातक धनी होगा, सूरवीर होता है, और जो कुल का जो है वो कुल को चलाने वाला होता है, कुल को पोषक करने वाला होता है, कुल पोषक होता है। देखिए धन उनके पास, क्योंकि एक शनि देवता अनुशासन की ग्रह है, वो अनुशासन के माध्यम में धन अपने खूब कमा पाता है, उसको लोग मानते हैं, सूरवीर होता है। ऐसा नहीं कि वो जाके मंगल की तरह काट मार देगा, ऐसा नहीं होता है कि वो लोगों को समझा बुझा कर अपने दबदबा उसके ऊपर रखने में सक्षम होता है, और अपने वंश में अपने कुल में वो एक बहुत बेहतरीन इंसान बन के प्रकट होता है। ये है अगर शनि देवता अपने ही मूल त्रिकोण राशि में रहे। देखिए हमने मूल त्रिकोण राशि के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाया है, उसमें देख सकते हैं कि कौन सा ग्रह कहाँ पर मूल त्रिकोण राशि में होता है और कितने अंश तक मूल त्रिकोण राशि में होता है। तो आज हमने क्या जाना, सूर्य से लेकर जो सातों के सातों ग्रह अगर मूल त्रिकोण राशि में रहे तो उसका रिजल्ट क्या होता है। आप लोग ये अपने कुंडली में लगाइए, ये देखिए कि क्या रिजल्ट आप लोगों को मिल रहा है। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आते हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।